ओके तो आज हम आए हैं विक्टर्स वे। यहाँ पे देखो गणेश जी की कितनी सारी मूर्तियाँ हैं और सारी पत्थर की बनी हुई है। इंडिया से ये आई हैं और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और एक छोटा सा वो हाथी है जिस पे बच्ची बैठी हुई है और दो आंटियाँ बैठी हुई हैं, एक शेषनाग उधर बने हुए हैं। तो इतनी सारी है एक छोटे से पार्क में यहाँ पे ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं और इस जगह का नाम है विक्टर्स वे। ये विकलो में है, काउंटी विकलो में, और ज़्यादा दूर नहीं है, डबलिन से मात्र 50 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ पे एक ये मेडिटेशन पाथ बना हुआ है, इसमें और बहुत सारे और मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बट अगर बच्चों के साथ आएँ तो सोच समझ के आएँ क्योंकि कुछ मूर्तियाँ जो हैं माइट भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं बच्चों के लिए, थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की या फिर थोड़ी सी यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसी होती है हमारी पुराने टाइप की मूर्तियाँ, तो इस वजह से थोड़ा सोच समझ के आए यहाँ पे। बट एनीवे अगर नेचर के लिए या वैसे देखा जाए तो बहुत ही सुंदर जगह पे है, ब्यूटीफुल जगह। रियली ये देखो पुरानी बेंच बनी हुई है और यू कैन लिसन सो मैनी वॉइस, नीचे देखो बच्चे अंदर इसका। खेल रहे हैं। सी हाउ कैन, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जंगल में घूम रहे हैं। तो ये आयरलैंड में ऑलमोस्ट ऐसा ही है, सारा सारा सुंदर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और वेट रहता है काफ़ी क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे जंगल और वेजिटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो रहती है हमेशा। और हम यहाँ पे अपने टूर के फर्स्ट उस पे आ गए हैं, यहाँ पे दो बेंचेस लगी हुई हैं, आई थिंक इस पे कोई ज़्यादा बैठता नहीं है। तो ये है पहली मूर्ति, इसका नाम है अवेकिंग और ये आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है, बच्चा जैसा है कुछ है, उसको किसी चीज़ ने जकड़ लिया है। तो ये एक्चुअली कहता है कि आप जब शुरू बचपन से ही आपको काफ़ी चीज़ें जकड़ना शुरू कर देती हैं, जैसे मोह माया है, आपको शुरू से ही आप चीज़ों में उलझ जाते हैं बचपन में, फैमिली है, पैसा है, हमें ये चीज़ खरीदनी है, कार खरीदनी है, अब ये करना है वो करना है, और इसीलिए इसका नाम अवेकिंग रखा गया है। तो आप कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका मतलब यही है कि आपको चीज़ें शुरू से ही जकड़ना शुरू कर देती हैं। तो लोग मेन रियल चीज़ों पे फोकस कम करते हैं, इसी का यही मीनिंग है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसी घूम घूम के है ये जगह, तो बस ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा हमें। और इसमें बहुत अलग अलग तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ बट हम लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी चले गए थे क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ और लोग भी थे, तो आज हम टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं दोबारा से। काफ़ी अच्छी जगह है, सुंदर ग्रीन बिल्कुल, जिन लोगों को थोड़ा सा शौक है घूमने का उनके लिए वो काफ़ी अच्छी जगह है, और इंडियंस के लिए तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जगह है घूमने के लिए। क्यों आयरलैंड में, क्योंकि इससे अच्छी जगह और इंडियन कल्चर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, इसलिए मैं तो बेस्ट मानता हूँ। जो भी यहाँ पे इंडियन आया उसको ज़रूर आना चाहिए एक यहाँ पे एक बार। और जो इस जगह का मालिक है विक्टर, वो भी काफ़ी टाइम इंडिया में रहा है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें बताता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उसने क्या क्या किया वहाँ पे, मूर्तियाँ कैसे कैसे लोगों से बनवाई, कितने रुपए पे वो काम करते थे, कैसे उसने यहाँ पे इंपोर्ट किए ये सारी मूर्तियाँ। और यहाँ पे उसने काफ़ी बड़ा कई एकड़ का वो बनाया। अभी सेकंड वाली पे है, इसको किसका नाम है, सेल्फ रियलाइजेशन, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देता हूँ और आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है। तो दूसरी वाली जो हमारी स्टैचू है इसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन और थोड़ी सी अलग टाइप की वो है, तो प्लीज़
डोंट माइंड, बस ये काफ़ी आप लोगों को इसको देख के समझ में आ जाता है। बाकी अगर कोई ब्रीफ मीनिंग समझना चाहता है उसको पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें यही है कि आप चीज़ों को पिक्सल्स में बटी हुई हैं, बट वो पिक्सल जब तक पूरे नहीं होते तब तक वो काम पूरा नहीं होता। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है, बाल काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं, और इसमें मदर भी दिखा रखी है और एक सेम टाइम पे वो राक्षसनी भी दिखा रखी है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम थर्ड वाली पे, तो आगे देखते हैं। तो काफ़ी लंबी लंबी ये पाथवे है, बट काफ़ी मज़ेदार है। और आप बीच बीच में देख सकते हैं काफ़ी जगह वो लगी हुई है, बच्चे यहाँ पे हैं, लोग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियंस ही काफ़ी आते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद इंडियन से ज़्यादा बाहर के लोग आते हैं इस चीज़ को देखने में, क्योंकि ये लोग काफ़ी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं कि दूसरे के कल्चर में किस तरीके की चीज़ें होती हैं से क्यों। तो ये भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, देखते हैं चीज़ें किस तरीके से बाकी जगह पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, या कोई कोई नई इनोवेशन या कुछ, या कोई अलग तरीके की आर्ट होती है, तो ये सब देखते हैं उस चीज़ को। तो थर्ड हमारी स्टैचू है स्प्लिट मैन। आप देख सकते हैं कि सुंदर बना रखी है, इवन ये सब पत्थर की बनी हुई है, बट यू कैन आई डोंट थिंक सो इस पत्थर की है, नहीं मेटल की है, तभी मैं कह रहा हूँ ये हाउ दे क्रिएट विद दिस। पत्थर में भी हो जाती है क्रिएट, लेकिन ये मेटल है हाँ, ये किसी। मेटल की है, काफ़ी सुंदर है स्प्लिट मैन। ये इसका कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपनी आत्मा को ही काटना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं, और हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये स्टैचू है, और इसने सोर्स अपने ही घुसानी शुरू कर दी है। तो ये इसका मीनिंग है, और अगर कोई बहुत अच्छे से मीनिंग जानना चाहता है तो यहाँ पे पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो मैं आपके लिए 1 सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ। ओके, तो अब चलते हम आगे अपनी चौथी स्टैचू के पास। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बादल हो रखे हैं, शायद बारिश होने वाली है, बट इट्स ओके। यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, और लोग भी यहाँ घूम रहे हैं, कोई अपने कुत्ते, ज़्यादातर लोग अपने कुत्ते और बच्चों के साथ आए हैं। और यहाँ पे और भी दिखाऊंगा मैं काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ शिव जी का एक मंदिर भी है बीचों बीच एक तालाब के अंदर, और यहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छी एंटिक चीज़ें यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई पैसे लेने वाला नहीं है, आप सामान खुद ख़रीदो, और सामान खरीद के खुद ही आप पैसे डाल दो, वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं होता। तो आई इमेजिन अगर ये इंडिया में हो तो लोग कैसे ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार कमेंट में जगह कैसे है, लोग रिएक्ट कमेंट में करेंगे। बताएं कि लोग इंडिया में क्या कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे यह तक देखा है कि पेट्रोल पंप पे खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ इंडिया में अगर पेट्रोल अगर खुद से भरे लोग तो बिना पैसे दिए भाग जाए, शायद आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही करेंगे, बाद में पकड़ लोगे तो कह देंगे अरे यार हम तो भूल गए थे। तो आगे लिखा है कि अनसिक्योर्ड पॉन्ड, अपने बच्चों की देखभाल खुद करें। तो ऐसे ही ये रास्ता बना हुआ है, और पॉन्ड के अंदर भी बहुत अच्छी एक वो बना रखी है इन्होंने स्टैचू, जैसे एक सेलर होता है। और ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी ऐसी ही वेजिटेशन दूर दूर तक, और लोग अभी भी घूम रहे हैं यहाँ पे, और स्टैचू के फ़ोटो ले रहे हैं। काफ़ी रात के टाइम अगर उसमें लाइट लगा के तालाब में ये डरावनी वाली लोगों को दिखा दिया जाए तो लोग डर जाएंगे, इतनी ज़्यादा डरावनी है। और यहाँ पे कुछ गुलाब हैं जो देसी गुलाब, और इतनी इतनी इनकी प्यारी खुशबू है, देखो ये इस गुलाब की अलग ही खुशबू है, एक अलग। हाँ, ये यहाँ पे गंदा सा एक तालाब है, गंदा नहीं है एक्चुअली, एल्गी है इसमें काफ़ी सारी। तो यहाँ पे इसमें वो लगा हुआ है, और इस स्टैचू का नाम है द फेरी मैन।
एंड, और यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबी ब्रीफिंग दी रखी है इसके बारे में। तो आप लोग 2 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आप बैठ के किसी को देखना है, फेरी मैन को, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है बूढ़ा और उसके हाथ में नाव है, नाव को आगे निकालने की कोशिश कर रहा है, रस्सी है, वो काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे काफ़ी गुलाब, जंगली गुलाब और अलग अलग तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखो काफ़ी, रात में अगर इसके मुंह पे लाइट लगा दी जाए तो अच्छा लगेगा काफ़ी ये। और यहाँ पे मधुमक्खी भी घूम रही है काफ़ी सारी, और गुलाब तो बहुत ही खूबसूरत है, जंगली गुलाब यहाँ पे मैंने सिर्फ यहीं पे देखे हैं, नहीं तो यहाँ पे गुलाब तो बहुत सुंदर होते हैं बट गुलाबों में खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस गुलाब में अलग ही खुशबू है कुछ और। यहाँ के ये पेड़ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वाले हैं, यहाँ पे पेड़ों की वैरायटी थोड़ी अलग टाइप की है यहाँ की, यहाँ पे अलग अलग लगा रखे हैं। और यहाँ पे और लोग भी हैं, ये एक बुद्धा का स्टैचू है, बुद्धा वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी पीसफुल जो है इनके विचार थे, तो बुद्धा को आई थिंक, हाँ तो बुद्धा जी की स्टैचू पे लिखा है वाज रॉन्ग, हो सकता है सभी लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रॉन्ग होते हैं शायद। हाँ और भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है द राइट वे इज़ द अनट्रोडन, इट बिकम द रॉन्ग वे व्हेन यू स्टेप ऑन। सो काफ़ी अच्छी अच्छी कोट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, हमारे आगे लोग चल रहे हैं, फैमिली काफ़ी सारी हैं घूमने के लिए आई हुई है यहाँ पे। और मुझे तो ये जगह अब और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लास्ट टाइम से ज़्यादा ग्रो रखी है वेजिटेशन और ज़्यादा। और यहाँ पे है हमारी अगली स्टैचू का नाम है मुनि, तो ये एक मुनि है जो काफ़ी ओल्ड है, और ये भी शायद मेटल की बनी हुई है, और एक बच्चा बैठा हुआ है इसके ऊपर, और कुत्ता भी है कि शायद सुसु करने के उसमें है और इसने कर दिया एनीवे। तो ये मुनि भी, तो लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं यहाँ पे। अब हम अगली स्टैचूज पे चलते हैं, और इसका नाम है द स्तूपास। सो स्तूपा आपने सुने होंगे, तिब्बत की साइड काफ़ी लोग जो ये स्तूपास बनाते हैं, और ये बौद्ध धर्म में होता है मोस्टली, स्तूपास बुद्ध में बनाते हैं इसको। इंडिया में इसका साइंटिफिक अगर आपको देखना है तो मैंने तिब्बत बोल दिया, तो लद्दाख में ये बनाते हैं लोग स्तूपास। तो वो यहाँ पे देखो साइन बने हुए हैं मैथ्स वालों के, मुझे तो नहीं पता, मैथ्स और फिजिक्स में ये साइंस हमारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं, कहीं पे ओम वाले हैं, कहीं पे डेल्टा वाले हैं, और ये कुत्ता काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ पे, ये देखो तो ये घूम रहा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं स्तूपास, सब पे कोई ना कोई फार्मूला लिखा हुआ है, मेरी तो फिजिक्स काफ़ी ख़राब थी तो मैं इतना नहीं बोल बता सकता, हाँ मेरी फिजिक्स की वजह से मेरी तो। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे दिखते हैं, इंडिया में मैंने ऐसे कम देखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, ऐसे ये लंबी सी शेप में आते हैं और काफ़ी सिलेंड्रिकल शेप है, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, देखें आप कितने सुंदर हैं। आप ये पंछी भी देख सकते हैं जो उसके पास घूम रहा है, ये देखो, और इसके अंदर भी काफ़ी अलग तरीके के आप देख सकते हैं, ये देखें। तो आगे चलते हैं, बहुत मीनिंगफुल स्टैचू हैं सारे। और ये वाले फूल हर जगह लगे हुए हैं, उधर भी इधर भी, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये वाले। और हम
आगे बढ़ते हैं। धूप थोड़ी जा चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बादल हो रखे हैं। बादल बरसने वाले नहीं है, ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे तो ग्रीनरी बहुत पसंद है आपकी। और ये जड़ें देखो आप, यहाँ पे फैली हुई हैं। चाहता बड़ी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये और वेजिटेशन है, और वो सामने एक तालाब है जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर सा है। और बीच में उसमें शिव जी की एक प्यारी सी मूर्ति लगी हुई है जिस पर शेषनाग उनके उस पर बैठे हैं कंधे पे। और यू कांट इमेजिन कि इंडिया में भी आपको इससे अच्छी जगह, ऐसी सी जगह मिल जाए। शंकर भगवान की प्रॉपर मूर्ति लगी हुई है, और ये एक तालाब है देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वेट हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इट्स ओके, नहीं फिसलोगे, लोगे आराम आराम से चलो। ये देखो पानी बिल्कुल साफ, और आप देख सकते हैं ये देखिए जड़ें कैसे फैली हुई हैं, ऊपर भी फैली हुई हैं, लकड़ियाँ गिरी हुई हैं, और एक अलग ही तरीके की आवाज़ आप सुन सकते हैं यहाँ पे। ये शंकर जी की मूर्ति, और यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं तो यहाँ पे लिखा है शिवा द गॉड ऑफ के। तो बादल देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं, और छोटी सी थोड़ी थोड़ी लहर ये आती हुई पानी, तो पानी में आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कि कितना सुंदर है। और बादल आप देख सकते हैं, लगते हैं जैसे बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर जगह है ये, और ये नहीं पेंटेड बिल्कुल पॉलिश करके रखी गई है। किसी को मेडिटेशन करना हो तो यहाँ पे आके हमारे साधु संतों को यहाँ बिठा सकते हैं, और यहाँ पे पूरी मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों हो जाएगी उनकी। ये देखो लॉर्ड शिवा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी के ऊपर बैठे हैं। जटा कितनी बड़ी बना रखी है उनकी। हाँ लॉर्ड शिवा तो ऑलवेज पानी की आवाज पीछे से। हाँ और ये है हमारी अगली स्टैचू, ये है हमारे धोती में बैठे हुए निरवन भगवान। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में और डिटेल में पॉज करके। और ये हम दिखाते हैं अगली स्टैचू, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, पत्थर की है ये वाली, मेटल की नहीं है, तो काफ़ी सुंदर बनाई हुई है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से मेडिटेशन करो, भगवान की पूरे पूरा पूजा करो यहाँ पे पत्तों के साथ। देखो अलग ही व्यू है, और बहुत ही सुंदर है ये, आराम से बिल्कुल स्तुति में बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, एक तरीके से काम होके बिल्कुल जगह पे बैठ जाओ, ऐसी जगह है। प्री वेडिंग शूटिंग है। हाँ और क्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लॉन सा बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल नेचुरल टाइप का। ये मिडिल फिंगर है, ये देखो आप, ये शायद मैंने पूछा था लास्ट टाइम, ये कोई स्टैचू का वो पत्थर बीच में से टूट गया था, तो उन्हें कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने ये अलग ही टाइप की स्टैचू बना दी। कुछ और स्टैचू बनने वाली थी ये, तो उन्होंने मिडिल फिंगर वाली स्टैचू बना दी, बट स्टिल आप देखो जगह कितनी प्यारी है। और ये देखो ऐसे घूम के काफ़ी सुंदर जगह है ये, यहाँ पे आप कुर्सियाँ डाल के अगर यहाँ पे कोई दो एंगेजमेंट करे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये रिंग सेरेमनी के लिए, या फिर हाँ इसके ऊपर लिखा है क्रिएट और डाई। द फिंगर पूरे पत्थर की है ये ऊपर तक।
काफी लंबी है मेरे ख्याल से 15-20 फीट होगी। शेप बना रखे ना हाँ, उंगली के जैसे बिल्कुल उंगली होती है। और ये देखो नया पेड़, ये है आड़ू का पेड़। ये देखो लग भी रहा है ना, सुना देखा ही रहा। अभी छोटे हैं। हाँ अभी छोटे, काफी सारे लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लग रहे हैं जब आएंगे। ये एक आंटी खड़ी है, ये ईव है इसका नाम, ईव आंटी। थोड़ी ये अलग देखने में अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन जी शट अप, रिप्रेजेंट द मैच्योर वुमन। मैच्योर वुमन, एक आंटी उधर भी लगी हुई है। और यहाँ पे हम क्राफ्ट शॉप में चलते हैं। अब मानसी, ये विद्या वाला पेड़ है, विद्या वाला पेड़, विद्या रानी वाला पेड़। काफी बड़ा पेड़ हो गया, इतना बड़ा पेड़ विद्या रानी का मैंने नहीं देखा आज तक, काफी फैला हुआ विद्या रानी का। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया हुआ, और यहाँ पे है इनकी क्राफ्ट है, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जहाँ पे ये हरी मूर्तियाँ बनी है, जहाँ से ये आप देख सकते हैं इन्होंने लगा रखे हैं। ये साउथ इंडिया में इतने सुंदर सुंदर जगह हैं, और इसी से इस जिस बंदे का है ये विक्टर, इसी ने ये ऐसे लोग निकालते हैं बड़े बड़े पत्थर शिला, और ये पत्थर ऐसे जाते हैं ट्रकों पे लाद के, इतने बड़े बड़े। ये फाइनल दिखा रखा है टेस्ट के लिए, 12 पत्थर लॉरी पे रखा गया, टूट गया इसका। और ये ऐसे लोग रहते हैं पुराने, और ये बना रहा है, और ये गणेश जी की मूर्ति बन रही है, ये लोग ऐसे थे। और ये काफ़ी कम इसने लिख रखा है कि रफ कट करते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे, और ये आधी बन गई है, और ये काफ़ी फाइनल टच देते हुए ये बंदा बनाते हुए उंगली वाली। और ये भी आगे अपने औजार बनाते हुए, और काफ़ी गरीब लोग लग रहे हैं, बट बहुत अच्छी जगह है। ये और बनाते हुए काफ़ी सुंदर, ये और मूर्तियाँ बन रही हैं। यहाँ पे कोई स्टैचू बंदा जब जवान था तब बनाया, अब तो बूढ़ा हो गया ये। और ये पैकेजिंग हो रही है, और ये पैकिंग हो गई डबलिन के लिए, शिप के लिए। और ये यहाँ पे जब आई थी फर्स्ट टाइम, तो इसका इनॉग्रेशन हुआ था सारी मूर्तियों का। और ये दिखा रखी है, और इन लोगों ने फ़ोटो भी खिंचा रखी है। ये फाइनल टच मिल रहा है, और ये हाँ इस पेंटिंग को देख के बनाएगी ये, देख सकते हैं आप इस पेंटिंग को। ये लास्ट टाइम ये काफी सारे थे, खत्म हो गए लोग, अभी खत्म हो गए। और यहाँ घंटियाँ लगी हुई हैं बहुत ही प्यारी, और फास्टिंग बुद्धा आप देख सकते हैं फोटो। और यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू मिलेंगे आपको, छोटे छोटे आप खरीद सकते हैं, और सब पे प्राइस मेंशन है, जो महंगी नहीं है, 20-20 10-10 रुपए की है, 10 रुपये नहीं यूरो की। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, आई थिंक इंडिया में देखने को शायद कम मिले हैं। मैं ये ले रही हूँ, ये मानसी जी ले रही हैं, कृष्ण जी की 3-3 छत्र लगे हुए। और यहाँ पे और भी नटराज भगवान, शिवा और बुद्ध, काली माता, देवी माता, हनुमान जी, जीसस क्राइस्ट, और बहुत सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे। तो देखें, एंजॉय करें इस चीज़ का। और ओके, और यहाँ पे बच्चों की माला, ताजमहल, गणेश, अरे छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी हैं 3-3 रुपये में, 3-3 यूरो में, और बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी प्यारी है। और ये माला ले सकते हैं आप, 108 वाली मानती है जो काउंटिंग, गणेश जी कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, सीधे नहीं रखे हुए, गिरने वाले थे, प्लास्टिक वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर है। हाँ
यहाँ पे और भी, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग धूपबत्ती और अगरबत्ती हैं। 15 यूरो, 15 यूरो, 1500 यूरो, 1500 यूरो की बुक, 15 यूरो है मानसी वो, 1500 नहीं है, 15 यूरो की है, 1500 यूरो की यहाँ पे ओपन में थोड़ी रखेगा। अलग अलग बुक्स हैं, मेडिटेशन की हैं, बिंदियाँ भी हैं मानसी, हाँ बिंदियाँ भी हैं, देखो हीना, देखो ये काफी आया हुआ है, नया सामान लग रहा मुझे थोड़ा। यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी बॉक्स, तो हमारी ये कितने की हो गई, 15 यूरो, 12 यूरो, और ये हमारी 3 यूरो, और 3 यूरो तो हम चढ़ा रहे हैं 40 यूरो है, 15, 30, 35 और 2 यूरो ज़्यादा, तो मान लीजिए 40 यूरो डाल दो। ओके, ये हमने डाल दिए 40 यूरो, और ये हो गए हमारे। और यहाँ पे सैनिटाइजर हैंड वॉश भी है, तो वो चाहिए। और एक और आंटी खड़ी है यहाँ पे, सेब है आप, ये आंटी ने सेब दे रखा, सेब ले लो आंटी से। यहाँ पे कुछ कितना प्यारा घूम रहा है वो। और मिलते हैं हम फिर अब अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।